Hello friends and welcome back to my channel Atram Shatram. So I'm back again with a new topic, which is compliance under the MSMED Act. Okay, so today we are going to discuss about how the payment provisions are being introduced under MSMED Act. MSMED Act के अंदर registered है firms, उनको आज की तारीख में हमको 45 days के अंदर payments करने पड़ते हैं. बट इस प्रोविजन के बारे में कोई नहीं जानता. अगर आप 45 डेज से लैप्स कर देते हैं, उसमें क्या इंटरेस्ट लगता है, क्या पेनल्टी लगते हैं, किसके लिए लायबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे आपको प्रोसेस करना है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, टू स्टार्ट विद दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. ओके, एमएसएमईडी एक्ट स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट. ठीक है, सबसे पहले लेट्स सी व्हाट आर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. ओके, सो एमएसएमईडी एक्ट रजिस्ट्रेशन आर ओनली एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज. ओके, सो इफ यू आर अ रिटेल कस्टमर और रिटेल डीलर, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू यू. इफ यू आर एनी अदर पर्सन जो इस कैटेगरी के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता, आपके लिए एमएसएमईडी की कंप्लायंसेज एंड पेमेंट्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट एप्लीकेबल. हाउएवर, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में हैं, you can take those registration and obtain the benefits of it. Okay, sabse pehle what are micro industries? For manufacturing sector, the government of India has said ki aapka investment in your plant and machinery is a basic criteria to determine. Theek hai, similarly for service sector, your investment in equipment mein aapne kitne paise lagaye hain, kitna investment kiya hai, wo aapka yahan pe basic criteria hai. Theek hai, so for micro industries, micro enterprises, आपका अगर इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए से कम है, then you qualify for a micro industry in a manufacturing sector. ठीक है, तो पहले अपन manufacturing sector की बात करते हैं. सबसे पहले देखते हैं manufacturing में investment in plant and machinery. अगर आपका investment 25 लाख से कम है, 25 लाख रुपए से कम है, then you qualify the micro enterprises. However, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज्यादा है बट 5 करोड़ से कम है, देन यू क्वालिफाई एज अ स्मॉल एंटरप्राइजेस. However, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है, देन यू क्वालिफाई एज अ मीडियम इंडस्ट्री. और अगर आपका 10 करोड़ से भी ज्यादा है, तो यू क्वालिफाई एज अ लार्ज एंटरप्राइजेस. ठीक है, नाउ गोइंग टू सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री, आपका बेसिक क्राइटेरिया है कम इज इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट. ओके, सो इफ योर इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट इज लेस देन 10 लाख रुपीस, तो आप क्वालिफाई करते हो एज अ माइक्रो एंटरप्राइजेस. आपका इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख से ज्यादा बट 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़, तो आपके ऊपर यू क्वालिफाई एज स्मॉल एंटरप्राइजेस. हाउएवर, आपका इन्वेस्टमेंट अगर 2 करोड़ से ज्यादा एंड 5 करोड़ से कम है, तो यू क्वालिफाई एज अ मीडियम. एंड इफ इट इज मोर देन 5 करोड़, देन यू क्वालिफाई एज अ लार्ज एंटरप्राइजेस. ठीक है, तो हियर वी अंडरस्टैंड व्हाट आर एमएसएम एंटरप्राइजेस इन एन एमएसएमईडी एक्ट. ठीक है, नाउ वी गो फॉरवर्ड, ये प्रोविजंस जो आए हैं, 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना होता है टू ऑल दीज कंपनीज वो रजिस्टर्ड एज एमएसएम कंपनी, वो क्या है, वो क्यों है, वो कैसे एप्लीकेबल होता है, कितना आपकी लाइबिलिटी लग सकती है अगर आप वायलेट कर जाते हैं, कितना आपको पेमेंट करना पड़ सकता है, वो हम अब यहां पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ the government of India has mentioned all these specified companies. Specified companies का मतलब किसी भी company जिसने इन registered firms के साथ काम किया है, कोई भी trading की है, purchase sale की है, वो specified companies कहलाएंगी. चाहे वो एक micro registered firm ने ही micro registered के साथ काम किया हो, small वाली ने small के साथ काम किया हो, medium, वाइस वर्सा कुछ भी किया हो, अगर आपने किसी ने भी इसके साथ इंटरेक्शन या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, यू क्वालिफाई एज अ स्पेसिफाइड कंपनी. ठीक है, तो हर स्पेसिफाइड कंपनी को एक हर 6 मंथ्स के अंदर एक रिटर्न भरनी पड़ती है इन द फॉर्म एमएसएमई फॉर्म 1. ठीक है, तो अप्रैल टू सितंबर के जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए हैं और जो उनके साथ पेमेंट्स ड्यू हैं, उसकी आपको डिटेल्स आपको एमएसएमई फॉर्म 1 में अप्रैल टू सितंबर की अक्टूबर में भरनी पड़ेगी. सिमिलरली फॉर अक्टूबर टू मार्च की आपको अप्रैल के अंदर फाइल करनी पड़ती है. नाउ करेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ओनली इंट्रोड्यूस्ड दिस प्रोविजन ओनली फॉर माइक्रो एंड स्मॉल. ठीक है, अगर आप मीडियम एंटरप्राइजेस में क्वालिफाई करते हैं, यू हैव अ रजिस्ट्रेशन फॉर अ मीडियम एंटरप्राइजेस, बट और मैंने एज अ स्पेसिफाइड कंपनी इस मीडियम एंटरप्राइजेस में अगर ट्रांजेक्शन किया है,
then there is no responsibility at a specified company's end to pay, make the payments within 45 days. आप 45 days के ऊपर भी payment कर सकते हो as per the terms and agreement between you and the medium enterprises. Okay, this has been an exempt enterprises as of. Let's go ahead. अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा सामने वाली कंपनी माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस, हाउ टू गेट अ टोटल डिटेल, बिकॉज ये आइडेंटिफाई करने का काम स्पेसिफाइड कंपनियों का ही होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आज इंटरेस्ट और पेनल्टीज जो लग रही है वो स्पेसिफाइड कंपनीज पे लग रही है. तो इट इज अ सोल एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की स्पेसिफाइड कंपनीज हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई दी वेंडर्स विच आर मीडियम स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस सो दैट उनके पेमेंट्स डिले ना हो और उनके कोई भी नॉन कंप्लायंसेस ना आए बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, सो हाउ टू आइडेंटिफाई, आपको सबसे पहले सबको एक ट्रांजेक्शन ईमेल शेयर कीजिए, सबके साथ इंटरेक्शन कीजिए, सबके साथ कनेक्ट करिए, कम्युनिकेट कीजिए टू आइडेंटिफाई आप एमएसएमई में क्वालिफाई करते हैं या नहीं. अगर हैं तो प्लीज उनके डिटेल्स ले लीजिए. बट यहां पे सबसे बड़ा कंसर्न आता है कि अगर सामने वाला वेंडर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आपकी ईमेल्स को या आपके मैसेजेस को, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में. इस सिचुएशन में सबसे इजिएस्ट वे होता है आप उनको कम्युनिकेट कीजिए रिटर्न में, उनकी ईमेल्स दीजिए उनको, उनको बताइए कि हम लोग के पास ये प्रोसेस है, हमको जो फॉलो करना है. अगर आप हमको इस पर्टिकुलर डेट से पहले इन्फॉर्म कर देते हैं वेदर यू क्वालिफाई एज अ माइक्रो और अ स्मॉल एंटरप्राइजेस, देन हम आपके पेमेंट्स 45 डेज के अंदर अंदर ही करेंगे और अग्रीड टर्म्स विच एवर इज लेस हम 45 डेज के अंदर पेमेंट्स करेंगे. अगर आप हमको नहीं बताते हैं वी विल प्रिज्यूम आप माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर क्वालिफाई नहीं कर रहे, यू आर नॉट एन एमएसएमईडी रजिस्टर्ड एंटरप्राइज, और हम आपको नॉर्मल टर्म्स के हिसाब से ही पेमेंट्स करेंगे. ओके, तो यहां पे आपने अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने सामने वाले के ऊपर ट्रांसफर कर दी है. नाउ दिस कम्युनिकेशन यू शुड ऑलवेज कीप इट इन राइटिंग. अगर आपके ऑडिटर्स ने आपसे पूछा कि आप बताइए आपने कम्युनिकेट भी किया था कि नहीं, आपने पूछा था कि नहीं, आपने डिटेल दी थी कि नहीं, दीज ईमेल्स वुड फॉर्म अ वेरी गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू देम. ठीक है, सो आज आप किसी को भी ऐसे बोल देंगे कि ये माइक्रो स्मॉल है, मीडियम में नहीं आता, ऑडिटर्स विल नॉट रिलाई ऑन दिस, दे विल ओनली आस्क फॉर अ कम्युनिकेशन ईमेल. जैसे ही वो ईमेल मांगेंगे आप उसमें बता सकते हैं इनकी तरह से हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन नहीं आए हैं. ठीक है, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अब आपको रिटर्न्स के अंदर क्या डालना पड़ता है, क्या डिटेल्स भरनी पड़ती है, क्या आपको वहां पे इन्फॉर्म करना पड़ता है. सबसे पहले आपको बताना पड़ता है कि आपके पास कौन कौन से वेंडर्स हैं जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं. सेकेंडली, उनके साथ आपने कितना टोटल अमाउंट ड्यू है आज की तारीख में, कि अगर ड्यू है तो कौन सी तारीख से आपने उसकी बिल बुकिंग की थी और उसका टोटल अमाउंट ड्यू कब हुआ था. एंड देन कम्स इन व्हाट इज द ओवरड्यू डेज. Invoice date was 1st April, bill due date in 45 days will be 15th of May. फिर इसके बाद मैंने कितने टाइम में इसको overdue कर दिया है, 10 days, 15 days, आपने जब भी पेमेंट किया वो overdue days निकाल दिए जाएंगे उसके हिसाब से. एंड बेस्ड ऑन those overdue days आपकी इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज कैलकुलेट की जाती हैं. Remember now one thing, interest by the specified companies has to be paid to the MSME vendors. MSME vendors को आपको पेमेंट करना पड़ता है इंटरेस्ट का. However, penalties have to be paid to the government of India for non-compliance of payments within 45 days. ठीक है? So now, let's discuss what are the consequences of non-compliance of an MSME Form 1 return. ठीक है? So let's see, you are basically liable to pay either penalties or interest or both. Okay, now here, penalties and interest. What type of penalties and what type of interest are payable by you as a specified company? I'm talking about a specified company. For a penalty, a company can be imposed a fine of 25,000 rupees for non-compliance of filing of MSME 1 form return every 6 months in a particular financial year. Okay? However, there is an additional penalty on directors, CFO and company secretary of the company as well. Okay, so agar aap returns file nahi karte, these three individuals including all the directors are also applicable for penalty. Unke upar kya penalties lagti hai? पेनल्टी स्टार्ट फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months तक की जेल हो सकती है. एंड अदर देन दैट दे कैन ऑल्सो बी इम्पोज अ फाइन रेंजिंग फ्रॉम 25,000 रुपीज टू 3 लाख रुपीज पर पर्सन. सो 25,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की पेनल्टी प्लस 6 months की जेल इज एप्लीकेबल टू देम. ओके,
ना गोइंग फॉरवर्ड टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है टू द एमएसएमई वेंडर, रजिस्टर्ड वेंडर, जिसको आपने पेमेंट्स डिलेड किए हैं। कितना आपको पे करना पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट एट मंथली रेट, एंड द रेट वुड बी 3 times द रेट एज स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो 3 times अगर आपकी, मान लीजिए आरबीआई ने रेट उस समय 5% दी हुई है, 3 times ऑफ रेट यानी 15% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू देम इज गोइंग टू बी पेबल एज इंटरेस्ट टू दी एमएसएमई रजिस्टर्ड वेंडर्स। ठीक है, वी आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा। ओके, लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल फॉर्म। नाउ लेट्स लुक एट द इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हाउ इज दिस इंटरेस्ट कैलकुलेटेड विच इज लायबल टू बी पेड टू द एमएसएमई वेंडर। ठीक है, सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। For example, ABC has sold some products to XYZ Limited. ABC Limited here is a specified company and XYZ Limited here is a MSME registered company. ठीक है, ABC ने XYZ को सेल किया on 1st of April for an amount of 2,50,000 rupees. However, ABC और XYZ के बीच में जो terms and agreements हैं, वो that says कि you have to make a payment within 60 days. Now the agreement made here is a violative against the law and the provisions of MSMED Act. As XYZ is a registered MSME vendor, the payment of agreement terms cannot exceed 45 days. So ye automatically 60 days jo hai wo 45 days ke andar convert ho jata hai. Okay, now the amount sold on 1st of April to XYZ, uski due date kya ho jayegi automatically? जो 30th मई उन लोगों ने 60 डेज के हिसाब से कैलकुलेट कर रखी थी वो चेंज होके 15th ऑफ मई कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नाउ एज पर द टर्म्स एंड एग्रीमेंट एबीसी हैज मेड अ पेमेंट विद ऑन 60th डे टू एक्सवाईजेड लिमिटेड, दैट इज ऑन 30th ऑफ मई। हाउएवर ही स्टिल लायबल फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशंस ओवर हियर फॉर 15 days। 15 days कैसे कैलकुलेट हुए? आपका ड्यू डेट था 15th ऑफ मई, इंटरेस्ट पेबल था फ्रॉम 16th मई टू 30th मई, 15 डेज का आपका ओवर ड्यू अमाउंट हो गया है। तो नाउ प्रिज्यूमिंग इफ द बैंक रेट इज 5% एज प्रोवाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको उसका 3 times की रेट ऑफ इंटरेस्ट से पे करना पड़ेगा। सो हियर द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट वुड बी 15%। तो अमाउंट कैसे पे करेंगे आप? 2,50,000 इंटू 15% एंड ड्यू अमाउंट इज फॉर 15 days, 15/365। टोटल अमाउंट एक्स्ट्रा दैट यू विल बी लायबल टू पे इज 1,541। अदर देन दैट आपके पास एक नॉन कंप्लायंस के आपके ऊपर एक पॉइंट भी आ जाएगा जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आजकल रिपोर्ट करना पड़ता है। ओके, आई होप दिस इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज हु इज लायबल टू साइन अ फॉर्म ऑफ MSME 1 रिटर्न। MSME 1 फॉर्म रिटर्न कौन साइन फाइल करता है, कौन किसको साइन करना पड़ता है? So as we mentioned earlier, ki director, CFO and CS ki direct responsibility hoti hai to file the MSME return. So unhi ko, unhi mein se kisi ek ko isme form ko digitally sign karke upload karna padta on the MSME website. So friends, ye sab jo tha, ye sab ek normal provisions of the act hai, jo aapko ek written theoretical hai. But iske actual mein loopholes kya hai on a practical front, wo main aapko bataunga. First of all, sabse important practical front mein aata hai, What specified companies do to avoid this type of thing is, वो क्या करते हैं 45 days के अंदर payment तो कर नहीं पा रहे, तो वो क्या करते हैं on 44th day or 45th day they issue a check to this vendor और वो check vendor को नहीं देते। However, उन books of accounts के अंदर उसके अंदर दिखा देते हैं कि हमारे तरफ से payment हो चुका है 45 days के अंदर, और वो 3 months तक valid रहता है check, और सामने वाले जो MSME registered vendor है उसने उसको अभी तक bank में present नहीं किया है for clearance। इससे क्या होता है, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट आपका पेमेंट दिखता है 45 डेज पे हो चुका है। तो नाउ हियर व्हाट द ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू डू इज उनको चेक करना पड़ता है कि सब्सिक्वेंटली ऐसा कोई पेमेंट रिटर्न तो नहीं हुआ है या फिर कोई कैंसिल तो नहीं हुआ है जिसके ऊपर एमएसएमई एप्लीकेबल था। ठीक है, दिस इज अ बिग लूपहोल विच द कंपनीज फॉलो। इशू अ चेक, डू नॉट गिव इट राइट नाउ, मेक अ नॉर्मल पेमेंट आफ्टर 60 days और 90 days जो भी आपको करना है, एंड देन उस जो आपके पास चेक इशू किया था उसकी एंट्री को रिवर्स कर लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द डिलेड पेमेंट्स आर जेन्युइन। आज की तारीख में आपके सामने वाले वेंडर ने आपकी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है, और या फिर उसने सेटिस्फैक्ट्री पर नहीं की है, या फिर उसके कुछ अमाउंट रिटर्न हो गया है, अग्री नहीं कर रहा है, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, आपने बिल्स बुक कर लिए हैं अपने बुक्स में, तो आप क्या करोगे उस केसेस में?
उस सिनेरियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप वो एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज ना करें, उनके सिर्फ और सिर्फ प्रोविजंस बना के रखें। अगर आपने अपने बुक्स में वो बिल और इनवॉइस या फिर बुक कर लिया है, अगर आपने कर लिया है तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी जनरेट हो जाती है टू मेक द पेमेंट विद इन 45 डेज। ठीक है, अगर आप 48 डेज में अगर आपने इसको बुक कर लिया और आप 48 डेज पेमेंट नहीं करते तो आप नॉन कंप्लायंस के अंदर आ जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लास्टली इज जब भी आप नया वेंडर क्रिएट कर रहे हैं या नया वेंडर के साथ आप रजिस्ट्रेशन अग्रीमेंट्स कर रहे हैं, इंश्योर पहले से ही कि वो MSME रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर वो MSME रजिस्टर्ड है तो उसके पेमेंट टर्म्स ही अग्रीमेंट में 45 डेज और बिलो रखिए, नॉट एक्सीडिंग 45 डेज। नहीं तो जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं चलेगा एंड यू वुड एक्सीड द लिमिट ऑफ 45 डेज एंड यू विल बी क्लासिफाइड एज अ नॉन कंप्लायंट कंपनी। ओके, सो आई बिलीव आई हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स विच आर ऑन अ प्रैक्टिकल फ्रंट ऑन MSMED पेमेंट प्रोविजन विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर लास्ट ईयर 2018। लेट मी नो वॉट इज योर थॉट्स ऑन दिस। इफ आई मिस्ड आउट ऑन एनी पॉइंट्स, डू लेट मी नो वॉट आर योर कॉमेंट्स एंड इट्स वॉट आर योर व्यूज ऑन इन द कॉमेंट सेक्शन। And I'll definitely try and incorporate in my future videos as well. Okay, so that's all from my end. This is Ankit Gangwal on channel Atram Shatram. Do share, like and subscribe if you find my video interesting and helpful for you. Thanks a lot.